नीचे मुझे बता दीजिएगा अपना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बड़ा सुस्त सा आपका रिस्पॉन्स है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको उस दिन दो तीन चीजें बताई थी, स्माइल बताई थी ना, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और कितना खुशी का एक मौका है कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जॉब लगने का सपना साकार होने जा रहा है, तो कितनी अच्छी बात हो रही है। और जब हम अंतिम सीढ़ी पर होते हैं, जब हम अंतिम सीढ़ी पर होते हैं, तो क्या हमें मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो क्या आप सभी मेहनत करेंगे? मेहनत करेंगे, सभी ने मेहनत करनी भी है और आप सभी करेंगे, ये भी आप कह रहे हैं, तो आप लोग भी करोगे मेहनत? ठीक है, इसको आप कर लीजिए ना, जो वेटिंग में है उनको एडमिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो कितना अच्छा मौका आप सभी को मिला है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। मेरे जो सेशंस हुए हैं, उन दो सेशंस में मैंने पहले सेशन में क्या बताया था, क्या बताया था, एक बैंकर के आवश्यक गुण बताए थे आपको। दूसरा, दूसरी वीडियो में बताए थे, क्या बताया था, बेसिक बॉडी लैंग्वेज क्वेश्चन सर ने बताए थे, मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। अब बात है बोलने की, बोलना, और बोलना लिखने से आएगा, पढ़ने से आएगा या बोलने से आएगा? बोलने से आएगा। बोलने की प्रैक्टिस कहाँ करनी है? घर पर करनी है, ठीक है, रोजाना करनी है। रोज रोज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने में भी आपका उत्साह बढ़ जाएगा और आप अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज की स्लाइड में हम करने वाले हैं बैंकिंग जागरूकता के चुनिंदा प्रश्न, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। तो आप लोगों को मैं कहूंगा, इसको बोलिए क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग जागरूकता के चुनिंदा प्रश्न, ट्यून, उस दिन आपको ट्यून भी सिखाई थी, ट्यून में बोलना है, बैंकिंग जागरूकता के चुनिंदा प्रश्न। देखो के में बोला तो आपने आगे जवाब दिया, तो इसको बोलो, इसको कैसे बोलोगे, बैंकिंग जागरूकता के चुनिंदा प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बेनिफिट के लिए आपने करना है कि इस वीडियो को बार बार देखना है, इसकी वीडियो भी आपको दे देंगे, फिलहाल ये यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको बार बार देखिए। कई बार किसी के द्वारा कही हुई बात को जब हम बार बार सुनते हैं तो हम वैसा बोलना तो लग जाते हैं, नॉलेज जैसी भी हो, एक व्यक्ति को आप फॉलो करने लग जाओ तो वो व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे आप भी बोलने लग जाओगे। ये इंटरव्यू को क्रैक करने का एक आसान तरीका है, कॉपी कर लो, स्टाइल कॉपी कर लो, अंदाज कॉपी कर लो, आंसर्स को बनाने का तरीका कॉपी कर लो। आप, मेरा एक तरीका आपने नोट किया होगा, मैं एक ही चीज को तीन अलग अलग तरीकों से बोल रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला, अभी अभी बोला स्टाइल कॉपी कर लो, अंदाज कॉपी कर लो, आंसर देने का तरीका कॉपी कर लो, तो तीन तीन बार बोल दिया ना, इससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। कई बार हम आंसर्स दे रहे होते हैं लेकिन आंसर्स में टाइम जो होता है वो हमें लगता है कि हमने कुछ बोला ही नहीं,
बात को तोड़ना सीखिए, बात को बड़ा करना सीखो थोड़ा सा, ठीक है। आपका खाता कौन से बैंक में है? आपने बोल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सर जहां तक मेरे अकाउंट का प्रश्न है, सर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। बात तो वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा लंबा करके बोला, ट्यून से बोला, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई। यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखवा नहीं सकता और ना ही मेरे को आपको लिखवाना चाहिए, क्योंकि लिखवाने की चीज तो है ही नहीं। इसको आपने खुद ने लिखना है और मेरे आंसर्स को कम से कम 5 बार आप सुन लेना सारे क्वेश्चंस के। जब आप सुन लेंगे तो आपको अपने आप ही फ्रेमिंग आ जाएगी, वो शब्द आपके दिमाग में बस जाएंगे। देखो कुछ लोग कहते हैं कि अभी इंटरव्यू जो है उसमें 10 से 15 दिन पड़े हैं। ये सारा गेम किस चीज का है? अचेतन मन का गेम है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं, जिसको बोला जाता है चेतन मन, और कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। कहते हैं कि यदि हमारी मेमोरी 10 हिस्से है ना, तो उसमें से 9 हिस्से अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, और 1 हिस्सा क्या है, चेतन मन है। चेतन मन हमारी मेमोरी का वो हिस्सा है जिससे हम रोजमर्रा के कार्य करते हैं, जैसे जोड़ घटाव वगैरह करते हैं, मार्केट गए, सब्जी ले रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारा काम किस चीज से हो रहा है, चेतन मन से हो रहा है। लेकिन अचेतन मन में हमारी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे लोगों के नाम इसमें स्टोर्ड हैं। आप सभी अपनी अपनी पहली क्लास को याद करो, फर्स्ट क्लास को याद करिए, रिमेंबर योर फर्स्ट क्लास इन योर स्कूल, याद कर पा रहे हैं? वहां पर आपका कोई दोस्त था या सहेली थी, पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, थर्ड में, आपको किसी का फेस याद आया? कोई तो होगा ना, उस समय के छोटे होते के दोस्त होंगे आपके, आपको याद आ गए, है ना। अब देखो इस क्लास में जब आप आए, जब आपने ये सेशन लगाना शुरू किया, उस समय वो आपको याद नहीं थे, लेकिन अभी वो आपके अंदर ही थे, मैंने उनको याद करवाया तो आपके सामने आ गए। क्या हुआ कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से उठ के कहाँ आ गए, कॉन्शियस माइंड में आ गए। जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो पक्की हो जाती है, पक्की हो जाती है। लोग कहते हैं हम बहुत पढ़ते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सबकॉन्शियस में नहीं गया सामान, वो कॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है, फिर वो भूल जाते हैं। जैसे 5 × 4 कितना होता है, 20 होता है, ये आपके सबकॉन्शियस में जा चुका है। आप नींद में भी हो तो आपसे पूछ लिया जाए, आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से जब इसको बार बार आप सुनेंगे इन आंसर्स को, तो आपके सबकॉन्शियस में चले जाएंगे ये आंसर। तो इसको बार बार सुनना है, रिपीटेशन करनी है, सुनना है, ठीक है। मैं जैसे ही कोई प्रश्न शुरू होगा, सबसे पहले उसका आंसर पूरे लाइन में बोलूंगा, बाद में मैं आपको वो चीज समझा दूंगा। हम कोशिश करेंगे कि बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित जो भी बातें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, दो तरह की बैंकिंग अवेयरनेस है। एक तो है वो बैंकिंग अवेयरनेस जो रोजमर्रा में बैंक में काम आती है, बैंक में खाते कितने तरह के होते हैं, बैंक में लोन कैसे दिया जाता है, बैंक में रिकवरी कैसे की जाती है, बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, बैंक में कौन सा काम कैसे होता है, ये बेसिक बैंकिंग है, या बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री, और कुछ होता है बैंकिंग का करंट अफेयर्स, वो भी करेंगे, और हम इन दोनों को मिला करके करेंगे, मिक्स करके, स्टैटिक भी करेंगे, लेकिन उसमें कुछ नया अपडेशन हुआ है वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, बैंक क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड बैंक, यहां से स्टार्ट हो गया।
जो चीज आपको अच्छी लगे मैंने बोली है आप उसको नोट भी करते जाना, ठीक है। बैंक क्या होता है, व्हाट इज अ बैंक? क्या ये बहुत ऑब्वियस प्रश्न है या नहीं है? बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं, ये तो बताओ कि बैंक होता क्या है। देखो मैं सबसे पहले इसका आंसर पूरी पूरी लाइंस में बोल रहा हूं, सर बैंक वह है जो बैंकिंग का काम करता है, बैंक वह है जो बैंकिंग का काम करता है। बैंक रेफर्स टू अ कंपनी विच कैरीज आउट बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंक वो है जो बैंकिंग का काम करता है, और बैंकिंग के अंतर्गत लोगों से कम ब्याज पर धन जमा के रूप में स्वीकार करना और अपेक्षाकृत अधिक ब्याज पर लोगों को उधार दे देना शामिल है। बैंकिंग इंक्लूड्स एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक फंड्स एज डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग देम एट अ कंपैरेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट। तो मैंने एक लाइन बोली कि बैंक वो है जो बैंकिंग का काम करता है। आप कहोगे कि सर ये आपने क्या लाइन बोली, आपने तो ये लाइन बोल दी कि ए क्या है, ए वो है जो ए होता है, बैंक वो है जो बैंकिंग का काम करता है। मैंने भी जब इस डेफिनेशन को पहली बार सुना तो मैंने कहा कि ये तो सही नहीं है, लेकिन ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है ये किसी कानून में लिखी हुई है। भारत में बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाला एक्ट कौन सा है? भारत में बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाला एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस कानून में भारत में बैंकिंग इंडस्ट्री में से संबंधित किस तरह से काम होगा, बैंकों का रेगुलेटर कौन होगा, बैंकों को लाइसेंस देना है नहीं देना, ये सारी शक्तियां आरबीआई को दी हुई है। बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित काम इस कानून के तहत होता है, इसमें वो पावर किसको दी हुई है, आरबीआई को दी हुई है। ये कानून आरबीआई को बनाता है रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं इसकी धारा 5 सेक्शन 5, जैसे कानून में क्या होती है धाराएं होती हैं, सेक्शंस होते हैं, और उनके अंदर परिभाषा लिखी होती है कि बैंकिंग कंपनी किसको कहा जाएगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि बैंक वो है जो बैंकिंग का काम करता है, और बैंकिंग क्या होती है, लोगों से कम ब्याज पर पैसा ले लेना और ज्यादा ब्याज पर लोगों को दे देना, यही तो बैंक का काम है। मेन काम यही है कि लोगों से कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेना और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोगों को दे देना, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वैसे देखो बैंक का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो विश्वास भी होता है, ठीक है। अ नेम यू कैन बैंक अपॉन, वो नाम जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अब आपसे पूछा गया कि बैंक क्या होता है, सर बैंक वो होता है जो बैंकिंग का काम करता है, और बैंकिंग से मतलब है थोड़ी ब्याज दर पर लोगों से पैसा स्वीकार करना जमा के रूप में और कंपैरेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट पर लोगों को उधार के रूप में देना, ये बैंक का मूल कार्य होता है, बेसिक काम ये है। बाकी सारे भी काम है, वो काम आगे देखते हैं क्या है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बैंक क्या है, बैंक वो है जो बैंकिंग का काम करता है। तो आप कहीं भी बैठे हैं, अच्छा आप में से इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है मुझे कमेंट्स में लिख करके भेजिए इंग्लिश, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन इंग्लिश में इसको सुनने में इंटरेस्टेड होगा। और यहाँ से बताइए कौन अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दे रहा है, अच्छा यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं इनमें से तो कोई नहीं है, और जो लोग
यहाँ देख रहे हैं तो आप टीचर वन वाले पे कमेंट करिए, टीचर वन वाले पे कमेंट करिए तो मैं आपका कमेंट देख पाऊंगा। मैं आपको कमेंट लिख के भेज रहा हूं, देखो वन मिनट। तो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आप सभी मुझे, मैंने आपको हेलो लिख के भेजा है, तो आप मुझे इस आईडी पर लिख करके भेजिए कि जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं। चलिए मैं पूछता हूँ, बैंक क्या होता है? बैंक वो होता है जो बैंकिंग का काम करता है, और बैंकिंग का मतलब है लोगों से कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेना और कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोगों को उधार देना, ये बैंक का मूल कार्य होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन, इस तरह की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर लिखी हुई है, उसकी धारा 5 में लिखी हुई है। यहां तक आपको क्लियर होगा, इसके बाद चलते हैं आगे। आजकल एक बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताइए। आजकल बैंक द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? देखो दो काम तो बैंक के मेन काम है ना। यहां पर मैंने आपको एक बात बताई कि बैंक जो होता है, पिछले क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं, बैंक लोगों से क्या ले लेता है? डिपॉजिट्स लेता है, और लोगों को देता क्या है? एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब होता है अग्रिम, ऋण, लोन, है ना। यहां से लोगों को थोड़ा ब्याज देता है, सपोज करो कि यहां से 4% ब्याज लोगों को दिया ऑन एन एवरेज, किसी खाते पर 5 भी दिया, किसी खाते पर 6 भी दिया, किसी अकाउंट पर 8 भी दिया, और किसी पर बिल्कुल भी नहीं दिया, जैसे करंट अकाउंट पे ब्याज दिया ही नहीं लोगों को। ओवरऑल मान लो कि बैंक की एवरेज 4% आ गई, सपोज करो, और जो बैंक ने लोन दिए हुए थे उन पर बैंक को ब्याज कितनी मिल गई? 10% मिल गई। ओवरऑल बात कर रहे हैं समझने के लिए, हम कह सकते हैं कि बैंक ने लगभग, डिफरेंस कितना है इसका, 6% का ना, तो इस 6% को क्या बोलते हैं? 6% को बोलते हैं स्प्रेड, बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब अंतराल। ये है बैंक की मोटी कमाई। आपने बैंक को मिनिमम बैलेंस चार्जेस दे दिए, बैंक ने आपसे एटीएम का खर्चा काट लिया, ये तो कोई ज्यादा बड़ी इनकम नहीं है। बैंक की मोटी कमाई क्या है? ये कमाई है, लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोगों से पैसा ले लिया और हायर इंटरेस्ट रेट पर लोगों को दे दिया, इनके बीच में बैंक का जो मार्जिन होता है जिसको स्प्रेड कहा जाता है, ये बैंक की मेन कमाई होती है। ये पूछ रहा है आजकल एक बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताइए, लिस्ट बनाते हैं उन सभी कार्यों की, उन सभी कामों की जो एक बैंक करता है आज की तारीख में। अब हम देखते हैं कि बैंक कौन कौन से काम करता है। देखो हम कहते हैं सबसे पहला काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। बताओ ये बैंक का काम है नहीं है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, गिविंग एडवांसेस, क्या ये बैंक का काम है या नहीं है? ये बैंक का काम है। अब इसके अलावा आजकल तो बैंक बहुत सारे काम करने लगे। अब आप कभी बैंक में गए हो तो आप मेरे को बताइए कि बैंक कौन कौन से काम करता है आज की तारीख में, बताइए। आजकल बैंक लॉकर फैसिलिटी भी देता है, लॉकर, लॉकर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और देखो आजकल बैंक जो है वो डीमैट अकाउंट भी खोलता है। डीमैट अकाउंट से हम शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट भी खोलता है, यानी शेयर ट्रेडिंग में भी बैंक हमें सहायता करता है। और क्या करता है बताइए? बिल पेमेंट, जैसे आप जानते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का बिल भरना है तो बैंक में आप भर सकते हैं। इसके अलावा बैंक जो है वो आपको एटीएम फैसिलिटीज भी देता है,
इसके अलावा बैंक आपके एडवाइजर के रूप में, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी काम करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। जैसे बैंक आपको इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इत्यादि के लिए सलाह भी देता है, और सलाह दे करके यानी बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी कंपनी के एजेंट के रूप में काम करता है? एसबीआई लाइफ के रूप एजेंट के रूप में काम करता है। पीएनबी कौन सी कंपनी के एजेंट के रूप में काम करता है इंश्योरेंस सेक्टर में? लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मेटलाइफ। अभी एक ऐसी कंपनी है जिसमें पीएनबी ने अपनी शेयर होल्डिंग सेल कर दी है, सेल कर दी है, बेच दी है, कैनरा एचएसबीसी ओबीसी। ये पहले एक इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन अब जानते हैं कि ओबीसी किसमें मर्ज हो गया? पीएनबी में। तो पीएनबी ने कहा कि हमारे पास तो अपनी कंपनी है, हमें इस कंपनी का बिजनेस हम क्यों करें, ये तो ओबीसी ने बनाई थी। तो पीएनबी ने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी है उसमें से। तो पीएनबी मेटलाइफ का काम करता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। और बताइए बैंक क्या काम करते हैं? अभी तो बहुत सारे काम रह गए बैंक के। हाँ जी, एफडीआरडी तो डिपॉजिट में ही आ गए ना, जमाएं स्वीकार करता है बैंक। और बताइए। अच्छा, आपने एक देखा होगा कि एक रिपोर्ट आती है इको रैप। ये इको रैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? एसबीआई जारी करता है। आप कहोगे सर एसबीआई का ये काम थोड़े ना है, क्योंकि एसबीआई तो डिपॉजिट्स, क्योंकि बैंक तो डिपॉजिट और एडवांसेस का काम करना चाहिए बैंक को। इसका मतलब बैंक वित्तीय आंकड़े भी प्रकाशित करता है, नई नई रिपोर्टें भी लेके आते हैं कई बैंक। तो ये काम कोई नहीं बोलेगा, या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जारी करना है ना, आंकड़े यानी डेटा कलेक्ट करते हैं और इकोनॉमी के बारे में अपनी राय देते हैं, ये काम भी बैंक करता है। इसके अलावा आप नोट कर लीजिए, बिल्स डिस्काउंटिंग और लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी देता है बैंक आपको। बहुत सारे काम करता है, मतलब ये इतने काम है कि अब उसको गिना नहीं जा सकता। ये दोनों मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर समझा दूंगा, लिख लीजिए। तो हमने देखा कि बैंक कौन कौन से काम करते हैं, इतने सारे काम तो हमने ही लिस्ट आउट कर दिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप लोग बताइए कोई काम जो आप बताना चाहें, जो आप मेरे को बताना चाहें और जो यहां लिखा जाने से रह गया है, बताओ। कोई है आप में से? टीचर वन वाली आईडी पर आप बताइए जो कमेंट आपने करने हैं। देखो तो हम बोलते हैं, आप जहां पर भी बैठे हैं बोलिए। इन सब कोई इंटरव्यू बोलने का नाम है, क्या है ये? डिपॉजिट्स, एडवांसेस, लॉकर, डीमैट, बिल्स पेमेंट, एटीएम, फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में कार्य है जैसे इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करना, बिल्स डिस्काउंटिंग और लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना। इस तरह से बैंक के बहुत सारे कार्य हैं। इसका मतलब बैंकिंग शब्द आज की तारीख में क्या हो गया है, बहुत ज्यादा कामों को अपने अंदर समेटे हुए है। अब इसमें बहुत सारे काम आ गए हैं बैंकिंग शब्द के अंदर। आगे देखते हैं, फिर आ गया बैंक की ब्रांच क्या होती है। ब्रांच क्या होती है? बैंक आप कहते हो कि हम बैंक की ब्रांच में गए, बैंक की ब्रांच क्या होती है और ये क्यों जरूरी है, ठीक है? देखते हैं। पहले तो देखो क्वेश्चन क्या है, बैंक की ब्रांच क्या होती है, यह क्यों जरूरी है? आंसर सुनिए सर, बैंक की ब्रांच वो फिजिकल लोकेशन होती है जिसके माध्यम से बैंक अपनी सर्विसेज डिलीवर करते हैं। बैंक ब्रांच इज अ फिजिकल लोकेशन थ्रू विच सर्विसेज ऑफ बैंक्स आर ऑफर्ड टू द कस्टमर्स।
कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए जो फिजिकल लोकेशंस बनाई जाती हैं, फिजिकल लोकेशंस मतलब भी ईंट गारे से कोई बिल्डिंग बनाई जाती है ना, कोई बिल्डिंग किराए पर लेते हैं, वहां लोगों को बिठाते हैं। यदि ब्रांचें ही नहीं होंगी तो बैंक अपना बिजनेस नहीं कर सकता। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, आप जा रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स में जिनके पास बहुत थोड़ी ही ब्रांचेज होती हैं। कितनी ब्रांचें होंगी, 100, 150, 200 ब्रांचें होती हैं। और वहीं इंडिया में ऐसे ऐसे बैंक भी हैं जिनके पास कितनी ब्रांचें हैं, 16,000 ब्रांचें भी हैं, 17,000 ब्रांचें हैं, स्टेट बैंक जैसे बैंकों की बात करें। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि ब्रांच होने के क्या फायदे होते हैं, क्या फायदे होते हैं ब्रांच होने के, कि किसी बैंक की ब्रांचें हैं तो ब्रांच होने के क्या फायदे होते हैं। हाँ जी, बिजनेस बढ़ता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, ठीक है, और कस्टमर अपनी कंप्लेंट दे सकता है उन ब्रांचों में। इसका मतलब कंप्लेंटें लेने के लिए ब्रांचें खोली हुई हैं कि ज्यादा कंप्लेंटें आए हैं अपने पास। आप जो कहना चाह रहे हैं आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपने वर्ड्स गलत चूज कर लिए। देखो ये है सबसे पहली बात, तो जो ये है कि कोई भी संस्थान जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिल जाता है। बड़े पैमाने पर कोई काम किए जाता है तो फिक्स कॉस्ट जो होती है, जैसे आप सपोज करिए बैंक ने एक सॉफ्टवेयर खरीदा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर आया होगा, सॉफ्टवेयर का खर्चा हो गया, लेकिन आपकी ब्रांचें 200 हैं और एक वही सॉफ्टवेयर 10,000 ब्रांचों में आपने चला दिया, बताओ क्या लार्ज स्केल में काम करने का बेनिफिट नहीं हुआ, हो गया ना थोड़े, यानी उसमें लार्ज स्केल पे काम करने के कारण जो फिक्स खर्चे हैं देखो वो लगभग सेम रहते हैं, लेकिन काम जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है रिस्क मिटिगेशन। हमारे देश के दो बहुत बड़े बैंक हैं, एक तो पंजाब नेशनल बैंक, एक पंजाब एंड सिंध बैंक। आप जानते हैं कि पंजाब का हिस्सा 1947 से पहले क्या था, ज्यादातर जो पंजाब था, पंजाब तो पांच आब से बना है ना, वो पांच नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और इनका ज्यादातर एरिया कहाँ है आज की तारीख में, पाकिस्तान में। ये सारे बैंक जो थे इनकी ज्यादातर ब्रांचें कहाँ थी, पाकिस्तान में थी, लेकिन इनके जो ऑनर्स थे, जो इनके मालिक थे, वो पार्टीशन के बाद कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए। लेकिन ये बैंक क्यों बच गए, क्यों बच गए बैंक, अपनी ब्रांचेस के कारण। रिस्क जो था वो क्या हो जाता है, रिस्क मिटिगेट हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कैसे कम होता है, मान लीजिए भुज के अंदर भूकंप आ गया, इसका मतलब जितने भी लोगों को भुज में लोन दिया हुआ है वो सारे रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे। और यदि कोई ऐसा बैंक हो जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही काम कर रहा है तो क्या होगा, वो बैंक डूब सकता है। इसलिए ब्रांचेस जो होती हैं उससे बैंक का जो रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड का मतलब वो किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर बंट जाता है। देश में किसी एक एरिया में यदि अकाल है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में ही अकाल होगा, तो एक जगह की परिस्थितियां दूसरे जगह को बैलेंस कर देती हैं, एक जगह की कंडीशन से दूसरी कंडीशन बैलेंस हो जाती हैं। एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ब्रांचेज होने का। दूसरा, ब्रांच होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है, मान लो कोई ऐसा एरिया है जहां लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग जमा करवाना चाहते हैं, और कोई ऐसा एरिया भी हो सकता है जहां पर लोगों को फंड्स चाहिए, तो क्या होगा, जहां लोगों को फंड्स चाहिए वहां पर हम कौन सा पैसा दे सकते हैं,
जो हमने किसी और एरिया से लिया था। इस तरह से ये ब्रांच होने के बेनिफिट्स होते हैं कि रिस्क मिटिगेट हो जाता है। और देखो, ब्रांच होने के कारण जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी यूनिफॉर्म हो जाती है। यूनिफॉर्म का मतलब, आज स्टेट बैंक की जो इंटरेस्ट रेट गुजरात में है वही साउथ में है, वही राजस्थान में है। मान लो राजस्थान में पैसे की ज्यादा डिमांड है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब, एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होने से बैंक को बेनिफिट होता है, लेकिन इसके नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ज्यादा ब्रांचेस होने से बैंक उन ब्रांचेस पर ज्यादा फोकस करते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट देती हैं। तो वो एरियाज जहां से बैंक को प्रॉफिट नहीं आता, वहां पर ब्रांचें नहीं खोली जाती। इसीलिए देश में कौन से बैंक बनाए गए? रीजनल रूरल बैंक्स। आप उसी एरिया के बैंक को, उसी एरिया से ही आपने पैसा इकट्ठा करना है, उसी एरिया में ही लोगों को लोन्स एंड एडवांसेस के रूप में दे देना है। हमारे यहाँ पर एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है दिगंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। उसका एक स्लोगन है, स्लोगन ये है, जिले रा धन जिले में ही विनियोजित, कि इस डिस्ट्रिक्ट का पैसा इसी डिस्ट्रिक्ट में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप नेशनलाइज बैंकों को देखें तो वहां पर यहां का पैसा ज्यादातर, उनके लोन्स कहाँ हैं? बड़े बड़े शहरों में उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे बॉम्बे में हजारों करोड़ के लोन दिए हुए हैं, और हमारे जैसे छोटे एरियाज के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, बैंक, चूंकि बैंक की भी प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो काम तो वही करना है जिसमें प्रॉफिट होगा, इसलिए छोटे एरियाज पर फोकस करने के लिए ये रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए हैं। तो ब्रांचों के फायदे भी हैं, ब्रांचों के नुकसान भी हैं। नुकसान ये भी है कि कुछ ब्रांचें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, और कुछ ब्रांचें ऐसी होती हैं, देर आर सम ब्रांचेस हु आर कंटिन्यूसली इन लॉस, विच आर कंटिन्यूसली इन लॉस। सो द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग ब्रांचेस बियर्स द लॉस ऑफ लॉस मेकिंग ब्रांचेस। ये भी गलत बात है। तो दोनों के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। आज हमारी कंट्री में जो बात चल रही है वो बड़े बैंकों की चल रही है, ठीक है, लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स जिनका इंटरव्यू आप दे रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाए जाते हैं। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बने आपकी, कि आप किस टाइप की जॉब में जा रहे हैं। आगे देखिए, बजट 2022 में कितने डीबीयूज खोलना प्रस्तावित किया है? हाउ मेनी डीबीयूज विल बी ओपन्ड एज पर बजट 2022? डीबीयू, व्हाट इज डीबीयू? वेरी गुड, डीबीयू की फुल फॉर्म होती है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आर कॉल्ड डीबीयू। बताइए 75, क्या 75 75 है? 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डीबीयू खोले जाएंगे, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें कस्टमर्स को सेल्फ सर्विस मोड। सेल्फ सर्विस क्या होती है? जैसे शादी में जाते हैं, शादी में खाना आपको परोसा जाता है, आप सेल्फ सर्विस करते हो, सेल्फ सर्विस करते हो। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनमें सेल्फ सर्विस मोड पर कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज डिजिटली उपलब्ध कराई जाती हैं। वेयर वेयर बैंकिंग सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स डिजिटली थ्रू सेल्फ सर्विस मोड। ऐसी आपने मशीनें लगा दी, अब उसमें देखो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं।
जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल तो हम एटीएम में करते ही है, जाके पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। और देखो, यदि किसी ने अपना अकाउंट खोलना है, तो अकाउंट खोलने में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो होती है आपकी, यदि कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि वो इंफॉर्मेशन आप खुद ही भर लो, ये यहां तक तो पॉसिबल है। इसके अलावा लोन की एप्लीकेशन भी आप डाल सकते हो, यानी बहुत सारे बैंक के काम, जैसे चेक डिपॉजिट करना, जहां पर मिनिमम मैनुअल, मिनिमम क्या होगा ही नहीं, मैनुअल इंटरफेस नहीं होगा आपका, पीछे से लोग उसको संभालेंगे लेकिन आपका इंटरफेस नहीं होगा, आप वहां पर बहुत सारे बैंकिंग के काम कर सकते हैं। एटीएम की फैसिलिटीज कुछ चुनिंदा सर्विसेज तक लिमिटेड हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 सिटीज में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डीबीयूज खोले जाने हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बजट के अंदर बैंकिंग सेगमेंट के लिए जो अनाउंसमेंट की गई थी उसमें ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी, और ये खुलने भी शुरू हो गए हैं अभी, इसके लिए एक पॉलिसी भी आई थी। अब मैं आपसे, आपको एक स्टाइल बताता हूं आंसर देने का। आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई एब्रीविएशन यूज होगी, ठीक है, तो आप अपना एक फॉर्मेट बनाइए। जैसे आप इंग्लिश में ये फॉर्मेट ले चलो कि सर डीबीयू का, सर डीबीयू स्टैंड्स फॉर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, सर डीबीयू का मतलब होता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, और जितना पूछा है उतना आंसर दो। इस साल कितने डीबीयूज खोले जाएंगे, सर बजट 2022 में की गई घोषणा के अनुसार 2022-23 में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। यानी जो बैंक है वो अपनी ब्रांच तो होती होती है, लेकिन वो एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी खोलेंगे, जहां पर ग्राहक स्वयं सेल्फ सर्विस मोड पर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। बताओ इससे बैंक को क्या फायदा है, इससे बैंकों की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जहां उनको बंदे बिठाने पड़ते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन। तो ये समझ आ गया, इसके बाद हम बात करते हैं भारत में बैंक खोलने का लाइसेंस कौन देता है, यह लाइसेंस कौन से कानून के तहत दिया जाता है। ठीक है सर, भारत में बैंक खोलने का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। आरबीआई को यह शक्ति बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से प्राप्त हुई है। इन इंडिया लाइसेंस टू ओपन अ बैंक इज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक खोलने का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। आजकल आरबीआई जो लाइसेंस देता है उसकी पॉलिसी क्या है, ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस, ऑन टैप। देखो पहले क्या होता था, पहले आरबीआई फार्म खोलता था कि ये लो जी फार्म खुल गए हैं, जिस जिसने बैंक खोलना है वो खोल लो, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अप्लाई कर दो। लेकिन आजकल जो पॉलिसी है वो कौन सी पॉलिसी है बोलना है इसको, क्या है ये, ऑन टैप बैंक लाइसेंस। ऑन टैप का मतलब जब आपको चाहिए तब अप्लाई कर दो, यानी हमेशा खुला है, कोई लास्ट डेट नहीं है, आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ये ओपन है। आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक खोलने का लाइसेंस चाहता है तो वो कभी भी डाल सकता है। दिस इज कॉल्ड, मोटे तौर पर यही कहते हैं, ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस। ठीक है आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंक को आय किससे होती है, जमा से या ऋण से, डिपॉजिट से या एडवांसेस से, इनकम किससे आती है। देखो कॉमर्स वालों को तो पता होता है, आर्ट्स वाले, साइंस वाले, बैंक की कमाई क्या है, कमाई अर्निंग क्या है बैंक की, जो लोग पैसे जमा करा रहे हैं वो बैंक की अर्निंग है, वो बैंक की अर्निंग नहीं है। देखो जो लोग बैंक में डिपॉजिट्स करवा रहे हैं उस पर तो
इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। यदि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और ये क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। आपसे कोई कहे कि बैंक की इनकम को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको एडवांसेस को बढ़ाना पड़ेगा इनकम बढ़ाने के लिए। फिर आप कहेंगे कि यदि एडवांसेस से बैंक को इनकम होती है, ब्याज की, ब्याज आता है, तो फिर बैंक डिपॉजिट लेता ही क्यों है, ये भी जरूरी है। यदि बैंक डिपॉजिट ही नहीं लेगा तो बैंक एडवांस कहां से देगा। इसका मतलब एक प्लेन बात करें तो एडवांसेस से इनकम आती है और डिपॉजिट्स में हमें खर्चा होता है, देखो। और यदि हम बात करें जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक की लायबिलिटी होते हैं, और जो एडवांसेस होते हैं वो बैंक की क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। इसीलिए जब कोई एडवांस, जब कोई लोन खराब हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसी एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग होगी, जिससे इनकम नहीं आ रही, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगी। ये पेन मेरी एसेट है, ये फोन मेरी एसेट है, ये कीबोर्ड मेरी एसेट है। एसेट वो है जो मेरे पास उपलब्ध, मेरे पास अवेलेबल पैसे से मैं बनाता हूं, उसको कहते हैं एसेट्स। जब कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो उनसे मैं पैसा ले सकता हूं, उनको बेच के पैसा आ सकता है, वो एसेट्स होती हैं। और जिन लोगों का पैसा मेरे पास पड़ा है, जिनको मैंने देना है, वो मेरी क्या होती है, लायबिलिटीज होती हैं, दायित्व है। ये बैंक की क्या है, अस्थि है। समझ में आ गया। एक बात और देखिए, जो बैंक की इनकम होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है फंड बेस्ड इनकम, एक होती है नॉन फंड बेस्ड इनकम। देर आर टू टाइप ऑफ इनकम्स फॉर ए बैंक, फंड बेस्ड इनकम। फंड क्या होता है, हिंदी में फंड को कहा जाता है निधि, फंड का मतलब पैसा। वो इनकम जिसको कमाने में बैंक का पैसा लगता है, जैसे किसी को लोन देना पड़ता है तो वो लोन दिया, पैसे फंसाए पहले उसके पास, वहां से इनकम आएगी, उसको कहते हैं फंड बेस्ड इनकम। और नॉन फंड बेस्ड इनकम वो इनकम होती है जिसमें बैंक के फंड्स इन्वॉल्व नहीं होते। सर द इनकम ऑफ बैंक आर और टू टाइप्स, फंड बेस्ड इनकम एंड नॉन फंड बेस्ड इनकम। फंड बेस्ड इनकम इन्वॉल्व्स फंड्स ऑफ द बैंक, वेयर एज नॉन फंड बेस्ड इनकम डज नॉट इन्वॉल्व फंड्स ऑफ द बैंक। क्या मतलब है इसका, देखो देखो क्या है, देख लेते हैं। मान लो कि बैंक को ब्याज आया, ब्याज ब्याज आ रहा है, ब्याज से कमाई हो रही है, तो जो ब्याज है या हम कहें इंटरेस्ट है, वो किस तरह की इनकम है, फंड बेस्ड इनकम है। उसने पैसा दिया है बंदे को, अच्छा बैंक ने किसी का इंश्योरेंस कर दिया और इंश्योरेंस से बैंक को कमीशन आ गया, क्या इसमें बैंक के पैसे लगे, नहीं लगे ना, तो ये कौन सी इनकम है, नॉन फंड बेस्ड इनकम। यहां बैंक के पैसे नहीं लगे, बैंक ने आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगा दिया, आपने अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, बैंक ने चार्जेस काट लिए, किस तरह की इनकम है बैंक की, फंड बेस्ड इनकम है नॉन फंड बेस्ड इनकम है, नॉन फंड बेस्ड इनकम। इसी तरीके से एटीएम चार्जेस, इसके अलावा लॉकर रेंट, लॉकर का किराया आ रहा है, फंड्स नहीं लगे हुए, आपको पैसा नहीं दिया हुआ, ब्याज नहीं है, तो ये
नॉन फंड बेस्ड इनकम है। एक और लिख लीजिए, बैंक ड्राफ्ट इश्यू करता है, उस पर भी बैंक कमीशन लेता है, तो ये भी किस तरह की इनकम है? नॉन फंड बेस्ड इनकम। अब मैं कुछ बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सर, बैंक की आय दो प्रकार की होती है, फंड बेस्ड इनकम, नॉन फंड बेस्ड इनकम। फंड बेस्ड इनकम वो इनकम होती है जिसमें बैंक के फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको अर्न करने में बैंक को अपने फंड्स उधार के रूप में देने पड़ते हैं, जैसे ब्याज से प्राप्त होने वाली आय। नॉन फंड बेस्ड इनकम वह इनकम होती है जिसमें बैंक के फंड्स इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे इंश्योरेंस कमीशन, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, लॉकर रेंट, ड्राफ्ट कमीशन। ये नॉन फंड बेस्ड इनकम के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। बैंक में जमाएं कितने प्रकार की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर इन बैंक? ठीक है, हाँ जी, दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? दो प्रकार की तो होती हैं, पहला भी सही बताया, दूसरे का नाम थोड़ा सही नहीं बताया आपने। देखो, डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं बैंक में अपने गए? देखो, डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं डिमांड डिपॉजिट, दूसरे होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। इसके एग्जांपल है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट्स का उदाहरण है आरडी और एफडी। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में बैठा था, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि एक भिखारी है, वो रोज के 500 रुपए की भीख कमा लेता है, आप उसको बैंक का कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, कौन सा प्रोडक्ट उसको दोगे? मैंने कहा सर उसको आरडी देंगे, क्योंकि उसकी आरडी हम खोल देंगे। उसने कहा कि वो व्यक्ति, द पर्सन cannot come to your branch, वो आपकी ब्रांच में नहीं आ सकता, तो क्या करोगे? मैंने कहा सर I will ask my business facilitator, बैंकों में होते हैं ना, बैंकों के एजेंट्स होते हैं जिनको बिजनेस फैसिलिटेटर कहा जाता है, सर मैं बिजनेस फैसिलिटेटर को कहूंगा कि वो उनसे कलेक्शन ले लिया करे। तो उसने कहा कि 500 रुपए के लिए आप एक बिजनेस फैसिलिटेटर लगाओगे तो आपको तो खर्चा बहुत आएगा, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा सर यदि शाम को कभी मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो यदि वो मेरे रास्ते में आता है तो मैं भी उससे ला सकता हूं। उसने कहा कि आप एक बैंक के ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर हो और आप भिखारी से पैसे लोगे, भिखारी से डिपॉजिट लाओगे। उन्होंने मेरे अंदर का ईगो जगाया, ईगो को वो किया कि आप एक ब्रांच मैनेजर बन जाओगे फिर आप ये काम करोगे। मैंने कहा सर अपना काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं यदि वो हमारे बैंक का कस्टमर है तो मैं उससे, यदि बैंक परमिट करता है तो मैं ले आऊंगा। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने अच्छे नंबर दिए। डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जो ऑन डिमांड पेबल होते हैं, जब कभी भी ग्राहक ने डिमांड कर दी कि भाई साहब पैसे दो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इसके दो एग्जांपल हैं। एक होते हैं टाइम डिपॉजिट, जिनको हिंदी में कहा जाता है मियादी जमाएं, ये है मांग जमाएं, ये है मियादी जमाएं, जो कुछ टाइम के लिए, जो कुछ टर्म के लिए, जो कुछ मियाद के लिए आपके पास पड़ी होती हैं। रिकरिंग डिपॉजिट को हिंदी में कहते हैं आवर्ती जमा खाता, आवर्ती, कोई चीज बार बार हो रही है, जैसे पेंडुलम घूमता है ना, उसकी एक आवर्ती होती है, बार 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 आता है वो। उसी तरह से हर महीने की आपने किश्त बना दी कि 500 रुपए हर महीने जमा कराने हैं, तो ये कौन सा खाता हो गया? आरडी अकाउंट। एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट
अकाउंट, आपके पास कोई महिला आई कोई कि हमारे घर पे एक फंक्शन था और फंक्शन में मेरे बच्चे को 50,000 रुपए का शगुन आया है, बताओ उसका कौन सा अकाउंट खोल दोगे? एफडी अकाउंट खोल देंगे हम उसका, फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि ये पैसा ज्यादा टाइम तक बैंक में रहता है तो बैंक इस पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। ये इंटरेस्ट रेट जितने टाइम के लिए बैंक को पैसा चाहिए बैंक देख लेता है। जैसे कई बार होता है कि बैंक को 3 साल के लिए मान लो पैसे की जरूरत है, तो बैंक क्या करेगा, 3 साल के लिए या कई बार सुविधा के लिए 1,000 दिन के लिए बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। वो दिखाता है कि बैंक को 3 साल के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि बैंक ने कोई ऐसे लोन दे रखे हैं जिसमें 3 साल तक पैसा लगेगा। तो कई बार ये भी होता है कि 3 साल के लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा है लेकिन 4 साल के लिए कम है, 5 साल के लिए कम है। वो बैंक की इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आजकल इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन के कुछ और मेथड भी आए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। आप घर पर बैठे हैं बोलिए इसको, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स के एग्जांपल हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट्स के एग्जांपल हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। अब बात आती है कि आपको अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे। अच्छे नंबर इस तरह मिलते हैं, देखो आजकल एक चीज चलती है जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स, दो प्रोडक्ट्स को मिक्स करना, मिक्स करके कोई नया प्रोडक्ट बना देना, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स। जैसे आजकल बैंकों में क्या होता है, आपने अपना सेविंग्स अकाउंट खुलाया, ठीक है, बैंक आपको कहता है कि आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपने बैंक को लिख के दे दिया कि जब मेरा बैलेंस 50,000 से ज्यादा हो तो अपने आप इसकी एफडी बना दो, अपने आप इसका फिक्स्ड डिपॉजिट बना दो। तो क्या होता है, अपने आप वो एफडी बनती रहती है। क्या ऐसे अकाउंट आपने देखे हैं? ज्यादातर लोगों के आजकल यही अकाउंट होते हैं, अपने आप एफडी बन जाती है। फिर जब आप एटीएम पे खड़े हो, आपको पैसे निकालने हैं और आपके अकाउंट में खुले पैसे नहीं पड़े, उनकी एफडियां बन चुकी हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली लीफो या फीफो मेथड से आपकी एफडी टूटती है और आप एटीएम में आप अपना पैसा निकाल सकते हो। तो बैंक ने क्या करा, सेविंग और एफडी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करके जैसे कई बैंकों में इसे सेविंग प्लस बोलते हैं, सेविंग प्लस अकाउंट। ये क्या है, एक प्रोडक्ट मिक्स है। आपके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को आपने मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। आजकल ये काफी चलता है। इसी तरह से और आपने, यदि आप अपनी एटीएम की पर्ची देखेंगे तो पर्ची पर एक वर्ड लिखा होता है मोड बैलेंस। क्या ये वर्ड आपने कभी लिखा हुआ देखा है, मोड बैलेंस? व्हाट इज अ मोड बैलेंस? मोड की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा? मोड, मोड का मतलब होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। देखना आगे से पर्ची, स्टेट बैंक की पर्चियों पे लिखा होता है मोड बैलेंस। उसका मतलब ये है कि जैसे वो कहता है कि आपके खाते का बैलेंस 5,000 है लेकिन आपका मोड बैलेंस 2 लाख है। कहने का मतलब 5,000 रुपया तो आपका खुले में पड़ा है और 2 लाख रुपया की एफडी हमने ऑटोमेटिक बना दिया आपकी। आपका बैलेंस है 2,05,000 लेकिन 2 लाख रुपया हमने अपने आप एफडी बना दी, इसको बोलते हैं मोड बैलेंस। कहने का मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट मिक्स है। एक अच्छा मार्केटिंग पर्सन जो होता है उसको प्रोडक्ट मिक्स बनाने आते हैं, समझ आ रहा है क्या?
चलो अब देखो, अब बैंकों में एक प्रॉब्लम और आती है। मान लो आपकी 1 लाख रुपए की एफडी है बैंक में, आपको किसी दिन 15,000 रुपए की 15,000 रुपीज की जरूरत पड़गी। आप 15,000 रुपीज लेने के लिए बैंक में गए, बैंक वाले कहते कि एफडी तो पूरी टूटेगी आपकी। अब सारी एफडी तोड़ेंगे तो ब्याज कम मिलेगा और 85,000 रुपये हमारे वैसी फिर नई एफडी बनानी पड़ेगी। आजकल कई बैंकों ने ऐसे प्रोडक्ट भी बनाए हैं जिसमें वो एफडी के अंदर चेकबुक दे देते हैं कि आपको 4 बार विड्रॉल करने की अनुमति दे दी कि इस एफडी के चलने तक आप 4 बार इसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, आपका मेन मेन प्रोडक्ट एफडी था, लेकिन उसमें आपने किसकी फैसिलिटी दे दी, सेविंग की कुछ फैसिलिटीज दे दी, है ना। तो ये प्रोडक्ट में मिक्स कहलाते हैं। समझ आ रहा है क्या? आपके पास कोई, देखो आपके पास कोई बंदा आया बैंक में और वो कहता है कि सैलरी आती है और पता ही नहीं लगता सैलरी का कब खर्चा हो जाता है, मैं क्या करूं मैनेजर साहब मुझे कुछ बताओ। आप अपने आप भी प्रोडक्ट मिक्स बना सकते हो। आप कहो कि हमारे बैंक का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी अपने आप ही एक आरडी बन जाया करेगी, आपके सिस्टम में ये फैसिलिटी होती है कि आप उसका एक नया आरडी अकाउंट खोल दो और जैसे ही उसकी सैलरी आएगी वैसे ही उसका पैसा कट के आरडी में चला जाएगा। ये प्रोडक्ट बैंक ने नहीं बनाया, आपने उसको मिक्स करके समझा दिया। तो इसका मतलब प्रोडक्ट मिक्स ऐसी चीज है जो कई बार हम खुद भी बनाते हैं कस्टमर की नीड एंड वांट के हिसाब से। तो क्वेश्चन हमारा जो ये था वो ये था कि बैंक में जमाएं कितने प्रकार की होती हैं। सर डिपॉजिट्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। एक बैंक के लिए कासा डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, आमतौर पे करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। करंट अकाउंट आमतौर पे दुकानदारों का खोला जाता है, इंडिविजुअल्स का भी खोला जाता है, क्योंकि देखो बैंक कहते हैं कि दुकानदार जो होता है वो सारा दिन में जो भी पैसा आता है उसके गल्ले में, 100-100 रुपए के नोट, 50 के नोट, 500 के नोट, सारे पैसे बैंक में ले आता है, 2 घंटे बाद वापस निकालने के लिए भी आ जाता है, फिर जमा कराने आ जाता है। एक दिन में पता नहीं कितने चक्कर लगाता है बैंक में। तो बैंक कहता है कि हमें इसकी सेवा बहुत करनी पड़ती है, तो इसके जो भी डिपॉजिट्स होंगे उस पर हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो ये क्या होगा, करंट अकाउंट। हालांकि आजकल कुछ प्राइवेट बैंक्स देने लग गए हैं, ठीक है, कंपटीशन है ना। सेविंग अकाउंट में 3-4% इंटरेस्ट रेट होती है, लेकिन यदि आरडी और एफडी की बात करें तो इसमें 5-6-7% तक आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को कासा डिपॉजिट्स कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कासा डिपॉजिट्स बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, व्हाई कासा डिपॉजिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ए बैंक। और कासा डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया, जहां कहीं भी एक एब्रीविएशन आ जाए उसका आंसर किस फॉर्मेट में देना है, सर कासा डिपॉजिट स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। सर कासा डिपॉजिट्स का मतलब है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, क्योंकि एज इंटरेस्ट रेट्स इन दीज डिपॉजिट्स इज कंपैरेटिवली लोअर, देयर फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट्स। चूंकि इन डिपॉजिट्स पर ब्याज की दर कम होती है इसलिए इनके बढ़ने से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी या लाभ प्रदायकता बढ़ जाती है। मैंने 2-3 वर्ड बोले हैं, कौन कौन से, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एक वर्ड बोला है प्रॉफिटेबिलिटी। पिछले कई सालों से इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करवाने के बाद मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि बच्चे वर्ड्स नहीं पकड़ते। इस पूरे आंसर का की वर्ड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी।
ये वर्ड अपने डिक्शनरी में शामिल करो, प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड बोल दिया, आंसर अच्छा हो जाएगा। सर बैंक को लाभ होता है, या कुछ ऐसा चालू सा वर्ड बोलोगे, सर बैंक के लिए अच्छा होता है। अच्छा होने की तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना, सर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। बताओ क्या बढ़ जाती है बैंक की? प्रॉफिटेबिलिटी। घर पे बैठे हो, दो बार बोलो क्या लिखा है मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। कौन से डिपॉजिट से बढ़ती है? कासा डिपॉजिट्स। क्योंकि देखो डिपॉजिट्स वो होते हैं जो हमें लोगों को, जिन पर ब्याज देना पड़ता है। अब लोगों का पैसा भी हमारे पास आ गया और हमने ब्याज दिया ही नहीं उनको, या बहुत थोड़ा ब्याज दे रहे हैं, तो जितना कासा डिपॉजिट्स बढ़ेगा उतना ही हमारी स्प्रेड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। हमें लाभ को बढ़ाने के लिए क्या करना है, स्प्रेड को बढ़ाना है। कौन सी स्प्रेड? ये वाली स्प्रेड, ये देखो, ये बताई थी ना, जितना कासा डिपॉजिट बढ़ेगा उतना ही ये चीज कहां जाएगी, नीचे जाएगी, तो हमारी स्प्रेड बढ़ जाएगी। और जब हमारी स्प्रेड बढ़ जाएगी तो मतलब लाभ बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए कासा डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट हैं किसी बैंक के लिए। व्हाट इज DICGC? हम बैंकिंग से जुड़े हुए सारी चीजों को इन्हीं क्वेश्चन आंसर में कवर कर जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज DICGC? अब जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मुझे बताइए DICGC की फुल फॉर्म क्या होती है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DICGC, बताइए। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, टीचर वन वाली आईडी पर करिए, देखते हैं कौन बताता है DICGC। कमेंट करिए टीचर वन वाली आईडी पर, होस्ट वाली जो आईडी है उस पर कमेंट करिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिपॉजिट DICGC। देखो DICGC की फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दो तीन बार इसको बोलते हैं क्योंकि हमें तो बोलने के आंसर मिलने हैं। DICGC की फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दो बार और बोलो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कासा डिपॉजिट्स के बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन 1961 में बनाया गया था। अच्छा, आज की तारीख में DICGC, आप जानते हैं यदि कोई बैंक फेल हो जाता है तो लोगों के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं। यदि बैंक फेल हो जाने की स्थिति में क्या मिलता है लोगों को, आपने कहा 5 लाख रुपया तक, 5 लाख रुपए क्या पर कस्टमर पर बैंक, दिस इज इंपॉर्टेंट, 5 लाख रुपीज पर कस्टमर पर बैंक। देखो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं, मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने ए बैंक में रखे और ए बैंक फेल हो गया। ए बैंक सारी ब्रांचों में मिला के मेरे 10 लाख रुपए थे, मुझे DICGC द्वारा कितने रुपए मिल सकते हैं, 5 लाख तक मिल सकते हैं। और यदि यही 5 लाख मैंने दो बैंकों में रखे होते तो मुझे 5 वहां से मिलता। सर DICGC की फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यह बैंकों में लोगों की जमाओं का बीमा करता है
और वर्तमान में प्रति बैंक प्रति कस्टमर के हिसाब से 5 लाख रुपए तक की जमाएं इसके द्वारा सुरक्षित की गई हैं। यह 1961 में डीआईसीजीसी एक्ट के तहत बनाया गया था। तो यदि कभी भी डीआईसीजीसी की बात आए तो मेरे को पता है कि मुझे तीन चीजें याद रखनी है। एक तो इसकी फुल फॉर्म, क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, दूसरा वर्ड है 1961, और तीसरा क्या है, 5 लाख रुपए। जब ये बना था तो 1500 रुपए था, बढ़ते बढ़ते अपने देखते देखते ही 1 लाख था, फिर 2 हुआ, फिर 5 हो गया। आज की तारीख में सारे बैंकों का है, ये सारे बैंक इसमें शामिल हो सकते हैं, आरआरबीज भी हैं। अब देखो इसमें आज की तारीख में इसके चेयरमैन कौन है, एमडी पात्रा, माइकल पात्रा, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। क्योंकि ये सब्सिडरी किसकी है, आरबीआई की है ना, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इनके हेड होते हैं। वो पुनीत सर के सेशंस में आपको ये चीजें बता देंगे, वैसे इसके माइकल पात्रा हैं। आगे देखिए टीडीएस क्या है, मैंने अभी तक कितनी फुल फॉर्म्स बताई हैं आपको, कासा, की फुल फॉर्म क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। फिर बात किया हमने डीबीयू, क्या था, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। फिर हमने किया डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। फिर हमने किया, कर रहे हैं टीडीएस, ये वो वर्ड है जो रूटीन में बैंकों में यूज होते हैं, टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब ये क्या है, टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक प्रावधान है। टीडीएस आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न किसने फाइल करनी होती है, जिसने इनकम कमाई हो वही फाइल करेगा ना। जैसे मैंने इनकम कमाई, मैं एक जॉब करता हूं, संयोगवश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही करता हूं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें सैलरी देता है, या कोई भी व्यक्ति किसी को सैलरी देता है, तो रिटर्न तो मेरे को भरनी है ना, इनकम मेरे को हुई है। लेकिन सरकार ने देखा कि लोग अपना टैक्स पे नहीं करते सही, तो सरकार ने उल्टा कर दिया। सरकार ने कहा जो आदमी इनकम दे रहा है, ले रहा नहीं है, जो आदमी इनकम दे रहा है वो देते वक्त टैक्स काट के पैसा देगा, तो वो जो पैसा उसने काट लिया इनकम के सृजित होने के समय, इनकम के सोर्स पर जो डिडक्ट हो गया उसको क्या कहा जाता है, टीडीएस कहा जाता है। जैसे कोई टीचर है तो सरकार उसको पैसा देती है, लेकिन मान लो वो किसी स्कूल में काम करता है तो स्कूल उसको पैसा देगा सैलरी, लेकिन टैक्स काट के देगा। इस टैक्स को क्या कहा जाता है, टीडीएस कहा जाता है। सर टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अच्छा बैंक लोगों को कौन सी इनकम देते हैं, बैंकों से लोगों को कौन सी इनकम मिलती है, आमतौर पे ब्याज की इनकम मिलती है ना, या जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट इनकम मिलती है। तो यदि किसी आदमी का सालाना ब्याज 40,000 रुपये से ज्यादा है तो बैंक क्या करेगा, उसका टीडीएस काट लेगा 10%, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसके नाम से जमा करवा देगा। आगे तू जाने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने, हमारी ड्यूटी टैक्स काटने की थी। इसको कहा जाता है टीडीएस। सर टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यह आय के सृजित होने के बिंदु पर आय प्रदाता द्वारा की जाने वाली एक कटौती है।
सर टीडीएस इज अ डिडक्शन मेड बाय द पेयर ऑफ इनकम एट द टाइम ऑफ गिविंग इनकम टू एनी इंडिविजुअल और एनी पर्सन. किसी आदमी को इनकम देने के समय देने वाला जो टैक्स काट लेता है उसको टीडीएस कहा जाता है. ठीक है, डू बैंक डिडक्ट टीडीएस? यस, काटता है बैंक टीडीएस. आगे देखिए, अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स क्या होते हैं, इनके क्या फायदे हैं. एक बार मुझे किसी बैंकर ने बताया, कि यदि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जाकर के आपने स्लिप भर के पैसा निकाला, स्लिप भरी, वाउचर भरा और आपने पैसा निकाला, यू मेड अ कैश विड्रॉल, बैंक को उसकी कॉस्ट पता कितनी आएगी? 200 रुपए. 200 रुपए कॉस्ट आती है बैंक को. आप कहोगे कि बैंक का इतना खर्चा कैसे हो जाएगा. देखो, आप बैंक में गए, एक एम्प्लॉय बैंक ने बिठा रखा है, आपकी ट्रांजैक्शन को पहले एक एम्प्लॉय ने किया, फिर वो दूसरे के पास चेक होने के लिए चली गई, तो दो एम्प्लॉयज का मान लो 2-3 मिनट्स आपके ऊपर लग गए, तो उनकी सैलरी का वो खर्चा निकाल लिया, फिर बैंक का लाइट पानी एसी वो भी लगता है उसका खर्चा निकाल लिया, फिर बैंक का सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर का जो भी खर्चा है उसमें से कुछ पोर्शन आपकी ट्रांजैक्शन पर जो यूज हुआ वो निकाल लिया, बैंक की स्टेशनरी भी आपने खराब करी है ना, वाउचर भरा उसका भी कुछ खर्चा जोड़ दिया. ऐसे करते कराते यदि सारे खर्चों को जोड़ लिया, बैंक की बिल्डिंग भी रेंट पे है उसका भी कुछ खर्चा होगा. तो जैसे कई लोग CWA करते हैं ना, कॉस्ट एंड वर्क एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, जिनके पास बीकॉम रही है वो उन्होंने करी होगी, कॉस्ट निकालते हैं. तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो 200 रुपए की पड़ती है. और मैंने ऐसा सुना है कि यदि यही पैसा ATM से निकाला जाए तो बैंक को कॉस्ट कितनी आती है, 20 रुपए की आती है. 20 रुपए मतलब बहुत कम, 1/10 आती है, क्योंकि ATM पे आप गए, एक मशीन लगाई हुई है, एक AC चल रहा है, जो काम टेलर ने करना था वो आप खुद कर रहे हो, वहां खुद फीडिंग कर रहे हो, कॉस्ट तो नहीं है ना, लाइट का खर्चा ही तो है, कोई आपको पानी नहीं पिलाना है ना, छोटे छोटे कैबिन से बना रखे हैं. तो ये मैंने बताया ATM का. अब आप सोचो कि यदि आप यही काम अपने घर बैठ के कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हो, तो AC भी आपका चल रहा है, काम भी आप कर रहे हो, इंटरनेट भी आपका है, तो ये कॉस्ट क्या होगी, और कम हो जाएगी. तो अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स होते हैं. जैसे ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटरनेट बैंकिंग, POS. POS क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल है ना. इसके अलावा NEFT के थ्रू पैसा हम भेज रहे हैं, ये अल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स हैं. RTGS या अब आजकल UPI आ गया, ये सारे क्या है, अल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स हैं. वैकल्पिक बैंकिंग प्रणालियां, इनके क्या फायदे हैं, फायदे ये हैं कि इनसे कॉस्ट कटिंग होती है, बैंकों की कॉस्ट कम हो जाती है ट्रांजैक्शंस की, और यदि कॉस्ट कम होगी, बैंकों की लागत कम होगी, कम पैसे में लोगों, ज्यादा लोगों को सर्विसेज दे पा रहे हैं, तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, ये इसके फायदे हैं. तो और भी बहुत सारे फायदे हैं. ये एनी वेयर होती है, ये एनी टाइम होती है. बोलो, होते हैं नहीं होते? दिवाली की छुट्टी थी, इंटरनेट बैंकिंग तो काम कर रही थी ना, एनी वेयर, एनी टाइम. इसके अलावा ये इंस्टेंट होती है,
जैसे आप वर्ड यूज कर सकते हैं, 24/7 काम करते हैं, ये इंस्टेंट होते हैं, तुरंत इसका परिणाम हमें मिल जाता है। तो ये इनके फायदे हैं, अल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है इनके, अल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स के नुकसान क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सिक्योरिटी। अक्सर लोग फिशिंग अटेम्प्ट्स के खतरे में आ जाते हैं। बताओ इनके नुकसान क्या हैं? देखो, डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला तो साइबर सिक्योरिटी। हमारे देश में कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जामतारा से फोन आते हैं लोगों को, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है ना? एक वर्ड यूज किया मैंने, फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? जब कोई आदमी किसी ट्रस्ट वर्दी आदमी का रूप लेकर के आपको मिलता है और कहता है कि मैं वो हूं और मेरे को ये इंफॉर्मेशन दे दो, इसको बोलते हैं फिशिंग। बैंक वाला बन के आपको मिल रहा है, पुलिस वाला बन के आपको फोन कर रहा है, ये सारे फिशिंग अटेम्प्ट्स होते हैं। साइबर सिक्योरिटी। और बताओ, जहां इंटरनेट नहीं है वहां पर ये काम नहीं कर सकती। तीसरा, इसमें क्रॉस सेलिंग नहीं हो पाती। जैसे ग्राहक बैंक में आता है तो बैंक के एम्प्लॉयज उसको कुछ और भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा तो रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं होती। ग्राहक और कस्टमर और बैंकर के बीच में रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं होती, ये इसके नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बैंक खाता कौन से बैंक में है? एक ग्राहक होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं? यदि आप उसी बैंक में काम कर रहे होते तो ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए आप क्या करते? इन विच बैंक डू यू हैव एन अकाउंट ऑलरेडी? हाउ यू फील एज ए कस्टमर इफ यू वर वर्किंग इन द सेम बैंक? वट इनिशिएटिव वुड यू टेक फॉर मोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन? इस क्वेश्चन को यूं भी पूछ सकता है कि यदि आप कभी बैंक में गए हो तो बताओ कि आप कौन से बैंक में जाते हो और वहां जाकर के आपको कैसा लगता है? आप वहां के लिए कोई सजेशन देना चाहते हो तो क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? ये बातें आपसे पूछी जा रही हैं। तो बताइए इसका आंसर कौन बताएगा? आप में से कोई बताइए, आपका खाता कौन से बैंक में है? कौन बताएगा? बताइए आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? ठीक है, देखो बैठिए। देखो, वैसे अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देनी होती। आमतौर पर हम पहले बैंक अकाउंट भी नहीं दे बताते थे, लेकिन आजकल तो बैंक अकाउंट बता देते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो भी बता देते हैं। ठीक है सर, मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, ओबीसी में है, आप बताएंगे। आपका अकाउंट नंबर आपको याद होना चाहिए कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, या कई बार वो डिजिट्स पूछ लेते हैं, कितने डिजिट हैं। जैसे पीएनबी का अकाउंट नंबर 16 डिजिट्स का होता है। ठीक है, एक ग्राहक होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं? सर, मैं बैंक से काफी अच्छा संतुष्ट महसूस करता हूं। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी, हमेशा अच्छा ही बोलना है, बुराई आपके मुंह पर नहीं आनी चाहिए। व्हाट यू से अबाउट अदर्स टेल्स अ लॉट अबाउट यू।
जो बात आप दूसरों के बारे में कहते हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी, सबकी अच्छाई बतानी है। सर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। सर वहाँ आप कैसा फील करते हैं सर, जब मैं उनको बैठे हुए देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैंने भी बैंक में जॉब लेनी है, ये बात आप बता सकते हो। सर वो मेरा काम काफी फटाफट कर देते हैं। यदि आप उसी बैंक में काम कर रहे होते तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए आप क्या करते? अब बुराई भी ऐसी करनी है जो एक कॉमन सी बुराई हो, जो इम्प्रूव हो सकती है। आप कहो सर मैंने फील किया है कि मेरी ब्रांच में अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, यानी लोग बैलेंस पूछने के लिए भी ब्रांच में आ रहे हैं, जबकि बैलेंस इंक्वायरी वो कहां से कर सकते हैं? एटीएम से कर सकते हैं, फोन से भी कर सकते हैं, है ना? तो आप कहिए कि सर ये मैंने फील किया है। सर मैं गांव में रहता हूँ, मैंने आपको दो बातें बताई थी, गांव में रहता हूँ। सर मैं गांव में रहता हूँ, हमारे गांव में सर POS टर्मिनल्स भी नहीं है ज्यादा, बहुत कम, इक्का दुक्का दुकानदारों के पास ही POS टर्मिनल्स हैं। पोस्ट मशीन तो देखी होगी आपने, सर इनका ज्यादा यूज नहीं होता। तो सर मुझे लगता है कि यदि अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स को यूज किया जाए तो गांव के ज्यादा लोगों तक बैंक की सर्विसेज को पहुंचाया जा सकता है। मैं होता तो मैं ये बुराई बताता, आपको जो भी बुराई लगती हो वो आप बता देना। आगे चलिए। एक गरीब आदमी आया है, उसके पास KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वह एक खाता खुलवाना चाहता है, आप क्या करेंगे आपकी ब्रांच में? हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मेरे से हुए थे, और यहाँ पर ऐड कर लीजिए मैं आपको लिखवाना भूल गया, जहां हमने बैंक के काम लिखे थे यहाँ लिखो एक काम और। आजकल बैंकों में आधार भी तो बनाया जाता है, आधार बनाते हैं ना बैंक में, देखा है आपने? आधार कार्ड बैंक में बनाया जाता है, मैंने अभी किसी का बनवाया था बैंक से। बैंकों के काम जहां लिखाए थे वहां पर आप ये लिख लीजिए। एक गरीब आदमी आया है लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या करोगे? भगा दोगे कि पहले KYC? KYC क्या होता है वो हम आगे करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC? नो योर कस्टमर। डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, भिखारी आदमी है, क्या करोगे? उसके लिए कौन सा अकाउंट खोला जा सकता है? वेरी गुड, उसके लिए अकाउंट खोला जाता है BSBDA, इसको बोलते हैं बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA अकाउंट खोला जा सकता है। वैसे आप ये कह सकते हैं कि सर आजकल बैंकों में आधार जनरेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, यदि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उसका आधार बनवा भी सकते हैं बैंक के अंदर ही, तो ये एक अच्छी बात है जो आप उनको बता सकते हो। इस अकाउंट को पहले बोला जाता था नो फ्रिल अकाउंट, नो फ्रिल झंझट रहित खाता। बहुत ही गरीब लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो एक बार उनका ये वाला अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें कुछ रिलैक्स्ड होती हैं नॉर्म्स। अच्छा, इसमें क्या शर्तें होती हैं इस अकाउंट में? देखो दो नंबर याद रखो, 1 लाख और 50,000, 1 लाख 50,000, 1 लाख 50,000, मतलब इस खाते का बैलेंस, खाते में डिपॉजिट्स, इस अकाउंट में डिपॉजिट्स कभी भी 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं हो सकता। इसका बैलेंस तो 50,000 नहीं हो सकता, और साल में जो बैंक का इस अकाउंट का क्रेडिट साइड है, टोटल डिपॉजिट्स हैं,
पूरे साल में खाते में कितने पैसे आए उनका जोड़ 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। दोनों का डिफरेंस समझ आया? अकाउंट का बैलेंस कभी भी 50,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लो एक दिन 20,000 आ गया, अगले दिन निकाल लिया, फिर 20,000 आ गया, फिर निकाल लिया, फिर 20,000 आया, निकाल लिया। पांचवी बार जब 20,000 आएगा तो हम कहेंगे कि भाई ये BSBD अकाउंट है, बैलेंस तो तेरा 20,000 रहता है, लेकिन तेरे अकाउंट का जो क्रेडिट समेशन है, खाते में पूरे साल में तू 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जमा कर सकता था, लेकिन तूने कितना करवा दिया, 1 लाख कर चुका है। अब इस अकाउंट में और ज्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोला जा सकता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो जाते। डॉक्यूमेंट आ गए फिर तो आप उसका जनधन खोल दो, दूसरे अकाउंट खोल दो, वो भी खोले जा सकते हैं। अच्छा, बिजली चली गई है और ग्राहक शिकायत कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप तो बैंक में ऑफिसर लगने लगे हो। क्या करोगे इस सिचुएशन में जब बिजली चली गई है, बताइए क्या करोगे? जनरेटर होते हैं, जनरेटर नहीं चल रहे, क्वेश्चन के अंदर ही है ना, जनरेटर ही होते तो फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछे ना जाता। जनरेटर खराब हो गया, क्या करोगे? हाँ, समझाओगे लोगों को, क्या समझाओगे, क्या समझाएंगे लोगों को आप? ठीक है, और कोई बताइए। हाँ हाँ ठीक है, एक ये भी ऑप्शन अच्छा है कि आप किसी दूसरी ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बताइए, क्या आप लाइट के लिए कुछ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाए? देखो इस टाइम पे क्या क्या होगा, दो दो काम है, एक तो लाइट चली गई है, आपको लाइट सही करवानी है, और दूसरा काम क्या है, ये क्वेश्चन मैं घर से नहीं लेके आया, ये कभी ना कभी किसी ना किसी से पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन में से ये क्वेश्चन है, और ये गांवों में हमेशा आती है ये प्रॉब्लम। लाइट चली गई है, इसको ठीक करवाना है, और कस्टमर कंप्लेंट कर रहे हैं, ये दो काम है। देखो एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम है डेकार्ट, रेने डेकार्ट। तो डेकार्ट्स ने क्या कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है, उस प्रॉब्लम को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दो, टुकड़ों में बांट के हर टुकड़े को सॉल्व कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के दो टुकड़े हैं, पहला टुकड़ा क्या है, लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, क्या करोगे बताओ? फोन करेंगे, लो जी फोन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि फॉल्ट तो नहीं है, आपको पता चल गया कि आपका फॉल्ट आपके लोकल फॉल्ट है, तो आप फिर अपने वेंडर को फोन करेंगे, बिजली के मिस्त्री को बुलाएंगे। लोगों से माफी मांगने से पहले आप अपना होमवर्क तो करोगे ना, पहले आप देखोगे ना क्या हो रहा है, फिर क्या करोगे बताओ? फोन कर लिया, फोन के बाद कस्टमर से इंटरेक्शन बाद में करना है, पहले यहां काम करो, लाइट बुलाओ पहले, फिर आप ड्यूटी लगाएंगे किसी की अपने स्टाफ में से जो उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, और कोई जनरेटर हायर करना है तो आप हायर भी करेंगे। ये सारे काम आपने कर दिए, लेकिन ये काम होने में भी 1 घंटा लग जाएगा। फिर आप आगे कस्टमर्स की तरफ क्या कहोगे सबसे पहले? शांति बनाए रखो। जब कोई आदमी ये बोलता है कि शांति बनाए रखो, तो क्या इससे शांति होती है या अशांति हो जाती है? अशांति होती है इससे। सबसे पहले आप उनको सॉरी बोलोगे, आपकी गलती है ना। एक बार एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, उसने कहा कि आप सॉरी बोल दोगे, मैंने कहा फिर बोल देंगे, यदि गलती है तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा।
आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, बोलते हैं ना। जब ट्रेन लेट है तो उनको बोलना पड़ेगा सॉरी आपकी सर्विसेज में कमी है, सॉरी ये फॉल्ट आया है, आपने उनको समझा दिया, आप कहिए थोड़ी देर में ये सही हो जाएगा। और इस समय आपके चेहरे पर क्या रहनी चाहिए, स्माइल रहनी चाहिए, भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब जो आपके यहाँ कस्टमर आए हैं उन कस्टमर्स को बांटो, सेग्रीगेट करो, कौन कौन से कस्टमर्स हैं। देखो कुछ कस्टमर जो हैं वो डिपॉजिट करवाने आए हैं, जो जमा करवाने आए हैं पैसा, तो जमा करवाने वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनका पैसा लेके आप रख सकते हो, पर्ची उनकी है आपके पास, वो एंट्री आप थोड़ी देर बाद कर दोगे, एक घंटे बाद कर दोगे। क्या जमा वाले डिपॉजिट्स वाले कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये तो सेटिस्फाई हो गए, इनकी डिपॉजिट्स हम ले लेंगे और इनको हम भेज सकते हैं, इनकी ट्रांजेक्शन को पोस्ट बाद में कर देंगे सिस्टम में। मान लो किसी कस्टमर ने अपना अकाउंट नंबर गलत लिख दिया तो क्या करोगे? इसका मतलब हमें एडिशनली उस व्यक्ति का क्या लेना है, फोन नंबर भी ले लो उसके ऊपर, पर्ची पे लिखवा लो, तो जमा वाले कस्टमर तो सर हो जाएंगे, इनको निपटाया जा सकता है। फिर कुछ कस्टमर्स आते हैं, कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि हमने अकाउंट खुलवाना है, या वो लोन लेने के लिए आए हैं। अकाउंट खुलवाने वालों का फॉर्म भरा जाएगा, तो फॉर्म तो भरा जा सकता है ना, मैनेज हो सकता है, ये वाले कस्टमर्स की भीड़ को कम कर सकते हो आप। फिर कुछ कस्टमर कहते हैं हम बैलेंस इंक्वायरी के लिए आए हैं, बैलेंस इंक्वायरी वाले को हम एटीएम पे भेज सकते हैं, या उन्हें कह सकते हैं कि ये काम तो बाद में भी हो सकता है ना, थोड़ा सा उनको समझा सकते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो विड्रॉवल वाले कस्टमर्स के साथ आती है, जिन्होंने पैसा निकालना है। अब निकालना है तो जब तक आप उनके अकाउंट्स में बैलेंस नहीं चेक कर लेते तब तक आप उन्हें पैसा नहीं दे सकते, और ये बैंकिंग प्रोसीजर्स के भी खिलाफ होगा कि यदि आप विश्वास पर उनको पैसा दे दो, तो ये सही नहीं है। हाँ, तो इनको आप, इनमें से 20-30% लोग तो एटीएम पे भी जा सकते हैं, है ना, आप इनको एटीएम पे भेज सकते हैं, या पास में ही कोई और ब्रांच है तो वहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनको वहां भी भेज सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इस सारी प्रॉब्लम को एक ऑफिसर के रूप में सोचना पड़ेगा। आप सोचते हो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप में, एक बहुत बड़ी चीज, उसको टुकड़ों में बांटिए। जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है उसको मैं 3 बार बोलता हूं, टुकड़ों में बांटो, टुकड़ों में बांटो, तोड़ दो प्रॉब्लम को, ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहां पर हमने देखा इस प्रॉब्लम को बहुत सारे पीस में, जब हमने देखा तो जो लोग डिपॉजिट करवाने आए हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये है। अब इसका आंसर देना कैसे है? सर यदि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी जाने का कारण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कॉल करूंगा और वहां से ये जानने की कोशिश करूंगा कि कहीं उनकी तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, और यदि हमारी तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो हमारे टेक्नीशियन को मैं बुलाऊंगा और अपने एक स्टाफ मेंबर की ड्यूटी लगाऊंगा कि वे इलेक्ट्रिशियन के साथ कोऑर्डिनेट करें, और यदि अल्टरनेट अरेंजमेंट करना है जैसे जनरेटर का तो वो कर लें। एक बात सर, जहां तक कस्टमर्स की बात है तो सबसे पहले मैं कस्टमर्स को सेग्रीगेट करूंगा, जो उनमें से डिपॉजिट वाले कस्टमर्स हैं उनसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करके रखा जा सकता है, उनकी ट्रांजैक्शंस को सिस्टम पर थोड़ी देर बाद पोस्ट कर देंगे। सर जहां तक अकाउंट खुलवाने वाले कस्टमर्स हैं उनके फॉर्म्स को भरवाकर उनका फॉर्म लेकर के रखा जा सकता है, जिसको शाम को प्रोसेस किया जा सकता है। जहां तक सर विड्रॉल वाले कस्टमर्स की बात है
मैं उन्हें कहूंगा कि वे अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स जैसे एटीएम का रुख करें, या उन्हें किसी और ब्रांच की तरफ भी माइग्रेट किया जा सकता है, और उनसे हम क्षमा भी मांगेंगे कि इस असुविधा के लिए, इस टेक्निकल फॉल्ट के लिए हमें 1 घंटे का समय दें। ग्राहक चिल्लाता क्यों है? क्योंकि उसको समय नहीं दिया जाता, उसको टाइम पीरियड बताओ कि इतने बजे तक सही हो जाएगा, तो एक उम्मीद हो जाती है उसको। जैसे मान लो 11 बजे वो आया, आपने कहा 2 बजे सर आ जाइए, आप कोई और काम करना है मार्केट में, कोई और काम कर लीजिए, इन बिटवीन सर ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो आपसे अच्छा संपर्क होगा, उनको आप वैसे कन्विंस कर सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, भीड़ होती है, भीड़ के सामने भीड़ को मैनेज नहीं किया जा सकता, तो उसमें ये होता है कि 1-to-1 हर बंदे को टैकल किया जाता है। ये पब्लिक डीलिंग के गुर हैं जो काम करने पर आते हैं। आपका कोई स्टाफ छुट्टी पर है और ग्राहक अधीर हो रहे हैं, ग्राहक जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, क्या है आपका बंदा नहीं आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, व्हाट इज दिस, कई लोग ऐसे बोलते हैं बैंक में आगे, आप क्या करेंगे? ठीक है, आपका कोई स्टाफ मेंबर छुट्टी पर नहीं है, छुट्टी पर है, छुट्टी लेके चला गया, व्हाट विल यू डू? आप कहेंगे कि सर इफ स्टाफ मेंबर इज ऑन लीव, तो यदि उसने हमें पहले ही सूचित किया है, ही हैज इन्फॉर्म्ड अस, तो हम सबसे पहले उस ग्राहक से, यदि उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन आई है, तो हम अपने सीनियर से किसी दूसरी ब्रांच के स्टाफ को डेपुटेशन पर भेजने की रिक्वेस्ट करेंगे। मान लो स्टाफ नहीं आ रहा, तो आपको मैनेजमेंट करनी है ना, डेपुटेशन पे किसी और को बुलाना पड़ेगा, किसी दूसरी ब्रांच से बुलाएंगे। समझ आ रहा है क्या? फिर मान लो सिचुएशन आ गई कि अचानक ही छुट्टी ली है, तो बस इन क्वेश्चंस में वो ये चेक करना चाहता है कि क्या आप खुद उस काम को कर सकते हैं। आप कहिए कि सर वो पीरियड जिसमें कस्टमर्स का ज्यादा लोड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भी उस काम पर लगा दिया जाए, और यदि कोई नहीं है तो मैं खुद भी वो काम कर सकता हूं, जरूरत पड़ गई तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कैश लेना, ये एक क्लर्क का काम है, लेकिन यदि जरूरत पड़ गई कभी, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है। और वैसे देखो ग्राहक रेस्टलेस क्यों होते हैं, क्योंकि जो वेटिंग क्यू होती है ना, वेटिंग क्यू, वो आपकी बोर होती है, इसलिए कोई आदमी लाइन में नहीं लगना चाहता। आप कभी एयरपोर्ट गए हो, वहां पर इंतजार करने का जो समय होता है, उसमें ग्राहकों को या पैसेंजर्स को बिठा दिया जाता है। आमतौर पे प्राइवेट बैंक्स में टीवी लगा होता है, मैच चल रहा होता है, तो ग्राहक वेट करता है, लेकिन वेट करते हुए उसे पता नहीं चलता कि मैंने वेट किया है। तो हिंदी में इसको कहते हैं कि प्रतीक्षा रेखा पंक्ति को रोचक बना देना, रोचक, क्या बताया, रोचक, इंटरेस्टिंग कर देना उसको। आप उसमें न्यूज़पेपर रख सकते हैं, मैगजीन्स रख सकते हैं, एलसीडी लगा सकते हैं, तो इससे आपकी जो वेटिंग क्यू है वो रोचक हो जाएगी। ये भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? हाल ही में एफआई इंडेक्स किसने शुरू किया है? सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए क्या कदम उठाए हैं? व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन बताइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? ठीक है, बैंकिंग नहीं है, वहां तक बैंकिंग पहुंचाना,
लेकिन ये बैंकिंग इंक्लूजन तो है नहीं, ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो इसका मतलब ये बैंकिंग से बढ़ करके कुछ है, बैंकिंग के अलावा इसमें कुछ और भी आएगा, ठीक है। आपको मैं इंटरनेट पर दिखाता हूं, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन लिखा और अपने इमेजेस पर आते हैं। देखो एक मिनट का समय आप मुझे दे दीजिए। ये फोटो आप थोड़ा सा देखो, मैं इसको खोल देता हूं। मैं आपको बता देता हूं, देखो बात हो रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, लिखा क्या हुआ है वो मैं बता देता हूं, कई लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो सेविंग यानी कि बैंकिंग फैसिलिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आता है, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस, सरकार ने इंश्योरेंस के भी कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पता है आपको इसके बारे में पढ़ के आइएगा कल क्या है ये योजनाएं। और देखो पेमेंट एंड रेमिटेंसेस, पेमेंट से संबंधित फैसिलिटीज, इसके अलावा लोन की योजनाएं और फाइनेंशियल एडवाइस। कहने का मतलब ये हो गया कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, बैंकिंग इंश्योरेंस, एक वर्ड मैंने लिखा क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, इसके बाद मैंने लिखा बैंकिंग इंश्योरेंस क्रेडिट, इसके बाद लिखते हैं रेमिटेंसेस, इसके बाद हम लिखते हैं पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन 2006-07 में ये माना जाता था कि बैंक खाते खोल दो सबके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन वाइड हो गई है। आप कहिए कि सर समाज के हर वर्ग तक है ना बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट, रेमिटेंसेस, फाइनेंशियल एडवाइस जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन। समझ आ रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या शामिल है बताइए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट, रेमिटेंसेस, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सारी तरह की सेवाओं तक पहुंच बनाना। हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने शुरू किया है, आरबीआई ने शुरू किया है, 2021 में शुरू किया था, आज है 2022, और जहां तक मुझे याद आ रहा है 2022 में ये 56.4 रहा है शायद, ये 100 में से नंबर दिए जाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये रहा, 56.4 हो गया ना, मैंने तो तुक्का मारा था, सेट हो गया, ये देखो 56.4 पिछले साल। ये क्या होता है, हर साल पूरे इंडिया को 100 में से नंबर देता है कि देश में कितने परसेंट लोगों तक, कितने परसेंट लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, इंक्लूड कर देना मतलब उनको भी उस स्ट्रक्चर में लेके आना। पिछले साल हमारे देश की बात करें तो 53% था, इस साल कितना रहा है 56.4, यानी 100 में से 56% आबादी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है इंडिया में। हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल बियॉन्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, 50% बंदे पड़े हैं अभी जिनको अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज या फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है। एमपीसी क्या है सर, एमपीसी इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी,
इसकी बैठक 2 महीने के बाद होती है, जिसे बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, मीटिंग कहते हैं। एमपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आपका होमवर्क है कि आपको सारे मेंबर्स के नाम याद करके आने हैं कि आज की तारीख में एमपीसी के मेंबर कौन कौन है। और जो रीसेंट एमपीसी बैठी है, उसने क्या क्या बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या क्या कर दी है, ये आपको पता होनी चाहिए। नए बैंकों को लाइसेंस देने का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, नए बैंकों को लाइसेंस देने से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हैं, सर इससे बैंकिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी बैंकिंग सेक्टर में आएगी, मानते हो? ज्यादातर नए नए इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं, तो नए बैंक आएंगे तो सर बैंकिंग सेक्टर का विकास होगा। अब देखो किस चीज को मैं कैसे यूज कर लेता हूं। सर, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किए गए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के मुताबिक हमारी कंट्री का फाइनेंशियल इंक्लूजन 56.4 है। इसका मतलब अभी देश में 50% आबादी अनटच्ड है, तो इसलिए इस इंडस्ट्री में अभी बहुत संभावनाएं हैं। तो जितने नए प्लेयर्स आएंगे, इससे पब्लिक सेक्टर बैंकों को भी फायदा होगा। आप देखिए, पहले भारत में प्राइवेट बैंक्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन 90s में, 1991 में क्या हुआ था? एलपीजी। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की लहर आई और देश में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में, व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर वाज मिस्टर मनमोहन सिंह। उनके टाइम में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, देश में प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आने उसके लिए आगे रास्ता खुला, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आए। तो क्या तब से लेकर के आज तक नुकसान हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को? ओवरऑल नहीं हुआ, उन्होंने अच्छा कंपटीशन दिया, उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। तो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो बैंकिंग सेक्टर का विकास होगा। ठीक है, आगे देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? भारत में इसे रोकने के लिए बैंकों पर कार्रवाई कौन करता है? मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? ब्लैक मनी को व्हाइट करना। परंतु ब्लैक मनी को व्हाइट करना हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। ऐसे तो हर व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपनी पूरी इनकम पे टैक्स नहीं देते, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? देखिए, अपराध से कमाए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी हम कह सकते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, आपके पास ब्लैक मनी आ गई और उसको आपने व्हाइट कर दिया किसी तरीके से, तो मोटे तौर पर इसे क्या कहा जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा। अर्थात पैसा तो है, लेकिन कौन सा पैसा? अपराध से कमाया हुआ पैसा। अपराध कौन से होते हैं, क्राइम कौन कौन से होते हैं? जैसे करप्शन एक क्राइम है, भ्रष्टाचार से पैसा कमाया वो एक क्राइम है, क्राइम से पैसा कमाया। ड्रग्स बेची, ड्रग्स बेचना सही बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, अपराध है। अपराध से कमाए हुए पैसे को, अपराध से कमाई हुई ब्लैक मनी को बैंकिंग चैनल या किसी और तरीके से व्हाइट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। और इसको रोकने के लिए बैंकों पर कार्रवाई कौन करता है? देखो, बैंकों को
बैंकों के ऊपर काम करने की जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई को दी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने करी है, अपराध से पैसा कमाया है, तो उस पर एक्शन कौन लेता है? ईडी, जिसे क्या कहा जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। हमारे देश में एक कानून बनाया गया था PMLA 2002 में। PMLA फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बोलना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक बार फिर बोलो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत ईडी को पावर्स दी गई हैं और बैंकों को कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। हर संस्था को किसी कानून के तहत पावर मिलती है, तो ईडी को जो पावर्स मिली हुई हैं वो पीएमएलए 2002 में मिली हुई हैं। कि आप, मैंने बार बार कह रहा हूं एक वर्ड, क्या बोल रहा हूं, अपराध से कमाया हुआ पैसा, ठीक है, अपराध इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको चयनित कर लिया जाता है और आपके प्रोबेशन के बाद आपको एक ऐसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर लगाया जाता है जो एक अच्छी स्थिति में नहीं है, आप इस ब्रांच को अच्छी स्थिति में लाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है, आप इसको सोचिएगा। मैंने आपको बताया था टुकड़ों में बांटिए, अच्छी स्थिति में लाना है, गुड कंडीशन में ब्रांच को लेके आना है। क्या करोगे आप? डिपॉजिट, एडवांसेस, फंड बेस्ड इनकम, नॉन फंड बेस्ड इनकम, अब ये सारा कुछ आपने सेट करना है। कैसे करोगे इसके आइडियाज आप सोचिएगा। तो बाकी लोग जो इस सेशन को देख रहे हैं, 9413-72310 पर एड मी इंटरव्यू लिख करके भेजिए, ताकि आपके मॉक इंटरव्यूज को शेड्यूल किया जा सके। इस क्वेश्चन, आज हमने 20 क्वेश्चन करे हैं, ऐसे करते करते हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे और ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे आ जाएंगी। चलो मैं आपसे पूछता हूं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1949 में, ठीक है। पीएमएलए कब आया था? 2002 में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नो योर कस्टमर। मैं आपसे पूछता हूँ, डीबीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और बताइए इसमें क्या क्या आया बीच बीच में। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कितने से ज्यादा ब्याज पर लगता है? 40,000। कितने परसेंट? 10% है टीडीएस, ठीक है। इसके बाद आता है, बताइए कासा की फुल फॉर्म क्या होती है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। बैंक की इनकम कितने तरह की होती है? दो तरह की। कौन कौन सी बताइए? फंड बेस्ड इनकम और नॉन फंड बेस्ड इनकम। फंड बेस्ड इनकम में फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, नॉन फंड बेस्ड इनकम में फंड्स इन्वॉल्व नहीं होते। फिर हमने बात करी एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। बैंकों के डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं? सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जिसको बोलते हैं कासा। और टाइम डिपॉजिट्स भी दो तरह के होते हैं, जो कि होते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है। तो अभी दूसरी क्लास आपकी होगी। एक बार मैं इस मीटिंग को यहीं, ऑनलाइन वालों के लिए मैं इसको बंद करता हूँ। दोबारा अभी आपको लिंक आ जाएगा, अब आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी एक बार के लिए हम विराम देते हैं। धन्यवाद।